इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बजट पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, 1 फरवरी को ही बजट होगा पेश। बजट टालने की अर्जी खारिज कर दी गई है। आपको बता दें कि विरोधी पार्टियों की तरफ से ऐसा कहा जा रहा था कि बजट जो पेश करना है 1 फरवरी को, उसे उस डेट को आगे बढ़ा दिया जाए, क्योंकि चुनावी वक्त है और चुनावी वक्त में हो सकता है केंद्र सरकार की तरफ से जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं, जिन राज्य में होने हैं, उन्हें कई सारी सौगातें दे सकती हैं, उसका फायदा उन्हें चुनाव में मिलेगा। इसको लेकर के अर्जी भी दाखिल की गई थी, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये अहम फैसला लिया गया, 1 फरवरी को ही बजट पेश होगा। जो उसे टालने की अर्जी थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बड़ी खबर आ रही है, लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं, बजट पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने 1 फरवरी को ही बजट पेश होगा ये फैसला सुना दिया है, और जो अर्जी थी बजट टालने की कि उसके डेट को आगे बढ़ा दिया जाए, वो अर्जी खारिज कर दी गई है। केंद्र सरकार की तरफ से बजट पेश करने को लेकर के जो पहले आखिरी वक्त में बजट पेश होता था फरवरी के, वो पहले किया है 1 फरवरी। उसके बाद विरोधी पार्टियों ने इसको लेकर के कई सारे सवाल खड़े किए, कहा कि इसे आगे बढ़ाना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के अर्जी दाखिल की गई थी, लेकिन फिलहाल वो अर्जी खारिज कर दी गई है। 1 फरवरी को ही अब बजट पेश होगा और बजट टालने की अर्जी को खारिज कर दिया गया है। बड़ी खबर है, लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं कि बजट टालने की अर्जी को खारिज कर दिया गया है। बजट अब पेश होगा सीधे 1 फरवरी को ही, और बजट से नहीं पड़ेगा वोटर्स के ऊपर कोई असर। सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ी बात कही है। ऐसा कहा जा रहा था कि वोटर्स को लुभाने की कोशिश केंद्र सरकार कर सकता है, लेकिन इसको लेकर के भी खारिज कर दिया गया है।